મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્ર ખાતે અમેરિકી દંપતીએ બાળકને દત્તક લીધું હતું. જિલ્લા કલેક્ટર રહ્યા હાજર. ભુજ સ્થિત મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્ર ખાતે ઉછેર થઈ રહેલા આરવને અમેરિકી દંપતીએ દત્તક લઈ આજે 21 જુલાઈ બુધવારે તેને દત્તક લીધું હતું. આરવને અમેરિકાની ટેનેસી સિટીમાં રહેતા બ્રાયન હોકિન્સ અને લેવિસ હોકિન્સ તેને દત્તક લીધું છે. મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્ર ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં જિલ્લા કલેક્ટર પ્રવીણા ડીકે અને ભુજ નગરપતિ ઘનશ્યામ ઠક્કર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. मेरा नाम एलेक्स है. जिनके साथ आप आए उनका नाम भी? इनका नाम चेस है और इनका नाम के लुइस है और ये दोनों अमेरिका से आए हैं. हमारे देश में जो किशोर न्याय अधिनियम एवं दत्तक नियम है उसके अंतर्गत इन्होंने लाइफलाइन चिल्ड्रन सर्विसेज अमेरिका में गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की थी 2.5 साल पहले और इनको जो बच्चा है हमारे यहाँ के जो विशेष दत्तक केंद्र कच्छ में भुज में बच्चा इन लोग को मैच होने के बाद ये जो पूरा प्रक्रिया है अमेरिकी सरकार भारत सरकार के बीच से होते हुए कच्छ का जो जिला न्यायालय है उससे होते हुए फिर आज ये प्रक्रिया पूरा हुआ. आज कैसी लगनी इन्होंने जो व्यक्त की थी वो क्या? इनको बहुत अच्छा लगा. इन्होंने पाया कि भारत देश जो है इनका शुरुआत से लेकर अभी तक इनका स्वागत किया है, सम्मान दिया है और इन्होंने एक वायदा भी किया है कि इस बच्चे को कभी भी अपना पहला परिवार ये संस्था जो है वो भूलने नहीं देंगे. उन्हें हमेशा याद दिलाएंगे कि ये भारत के बच्चे हैं और ये इनके दूसरे परिवार हैं. इनका पहले भी बच्चे हैं तो कैसे उन्हें गोद लेने का जो निश्चय किया था? यू हैव अ किड्स बिफोर, हाउ डिड यू डिसाइडेड टू अडॉप्ट अनदर किड? It was in our heart to grow our family, but not necessarily biologically. ये इनके हृदय में था कि अपने परिवार को बढ़ाए लेकिन biologically नहीं जाकर ये गोद लेना चाहते. So our heart went out to the children who don't have a family to belong to. और हमारा हृदय उस तरफ गया जहाँ ऐसे बच्चे जिनके पास परिवार नहीं है ऐसे बच्चे को वो गोद ले सके. और बच्चे को थोड़ी तकलीफ भी है तो वो सोच समझ के ऐसे बच्चे ले सकते हैं? You know that child is a special need, yet you decided to adopt him. Mm-hmm. Yeah, we did because every child deserves to have a mom and a dad and a home. और हर एक बच्चा की जरूरत है कि उसको माँबाप मिले. ये उसका अधिकार है कि उसको माँबाप मिले, उसको परिवार मिले और वही अधिकार को हम पूरा करना चाहते हैं. आज कच्छ महिला कल्याण केन्द्र बगीचा एक फूल एक दंपति ने आपवा जई रहा छे जेनो अमने खूब ज आनंद छे अने जेमा आज आ कार्यक्रम में अमारा माननीय श्री कलेक्टर साहेब प्रवीणा जी जे उपस्थित रही अने अमने आ कार्यक्रम ने चार चांद लगाव्या छे अने एनी साथे आ दंपति जे अमेरिका थी आवी अने आ बाळक ने लेवा माटे आव्या छे ए बने अगाउ मैं बे दिवस पहला आपणी साथे जे वात करी थी ए बधी चर्चाओ आपणे थई गई छे छतां आजे घनश्यामभाई अने मैडम ए आवी अने आ कार्यक्रम ने शोभाव्यो छे. आप 2 मिनट आ जाइए. कौशिक छायानो रिपोर्ट S9 न्यूज कच्छ.